second. Given out. I think England have used up all their reviews, haven't they? They have. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज, इस आप देख रहे हैं स्पिन टू विन। तो आज मैं आप लोग अपने स्पिन में बताऊंगा कि आप इन स्पिन कैसे डाल सकते हैं। जी, ये एक कमेंट डिमांड वीडियो है। एक भाई हमारे स्पिन टू विन कम्युनिटी से ही है, उन्होंने कमेंट किया था, वो कमेंट ये रहा। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन स्पिन कैसे डाल सकते हैं। तो इन स्पिन डालने की जो ग्रिप है वो आप अपने आप से वैरी कर सकते हैं। अगर आप बॉल को ऐसे होल्ड करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप आइदर साइड में अपनी फिंगर्स रखना चाहते हैं ऐसे, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। एक चीज जो बहुत मैटर करती है कि आपकी ग्रिप कितनी कंफर्टेबल है। आपको जो बॉल रखनी है अपनी, वो हल्के से गैप पे रखनी है। हल्के से गैप पे आपने बॉल रखी, अगर आप एकदम टाइट रखेंगे तो बॉल स्विंग नहीं होगी। हल्के से गैप पे रखी, थंब को नीचे रखा और ये जो दो फिंगर्स हैं नीचे की तरफ रखी, तब आपकी ग्रिप एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। आप इसको रिलीज कैसे करना है? रिलीज करने में जो बेसिक थिंग है कि आपकी सीम हो वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे चलती रहे, ऐसे अंदर की तरफ चले इस तरीके से। चाहे आप उसको एकदम ऐसे पकड़े, लॉक करें और रिलीज टाइम में ऐसे डालें, या जैसे इंसान शर्मा डालते हैं ऐसे पकड़ के सीम को टिल्ट कर देते हैं वो ऐसे, और तब डालते हैं तो उनकी बॉल पड़ के अंदर आती है। मेन जो चीज़ वो यही है कि आपको सीम को ऐसे अंदर की तरफ चलाना है। वकार यूनुस ने एक टिप भी दी थी कि आप जितना अपना ये वाला हैंड जो होता है लेफ्ट हैंड सपोर्टिंग वाला, उसको जितना पीछे ले जाएंगे उतनी आपकी अच्छी इंस्विंग होगी। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा स्पिन टू विन को, अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी ये वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले उसको देखने वाले। नीचे कमेंट करिए आप इस वीडियो किस टॉपिक में देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इंस्विंग के लिए बनाया, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।